और लेट्स चेक इट आउट गाइस, स्वागत है आपका स्टोन टेक में। दोस्तों जब हम कंपेयर करेंगे ओप्पो और वीवो की तरफ से दो धमाकेदार स्पेक्स वाले 5G स्मार्टफोन्स को, जिनका नाम है ओप्पो A60 और वीवो Y58, और जानेंगे कि इन दोनों मोबाइलों के फीचर्स के अकॉर्डिंग कौन सा मोबाइल बेटर होगा, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों मोबाइलों के डिस्प्ले के बारे में, जिसमें ओप्पो A60 में आपको 6.67 इंचेस के IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वहीं वीवो Y58 में आपको 6.72 इंचेस के IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ओप्पो में स्क्रीन डेंसिटी 264 PPI होगी, वहीं वीवो में आपको 393 PPI स्क्रीन डेंसिटी देखने को मिलेगी। अगर बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो दोनों मोबाइल में आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात करें वेट की तो ओप्पो का वेट आपको 186 ग्राम देखने को मिलेगा, वहीं वीवो का वेट आपको 199 ग्राम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वीवो आपको थोड़ा सा बल्कि देखने को मिलेगा। अगर बात करें रिफ्रेश रेट की तो ओप्पो में आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, वहीं वीवो में आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो दोनों मोबाइल में आपको फ्रंट ग्लास और बैक ऑफ फ्रेम आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ओप्पो में आपको एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि कलर OS 14 पे बेस्ड होगा। वहीं वीवो में आपको एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि फ्रंटेस 14 पे बेस्ड होगा। चिपसेट की बात करें तो ओप्पो में आपको स्नैपड्रैगन 684G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, वहीं वीवो में आपको स्नैपड्रैगन 4Gen2 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको वीवो की काफी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर बात करें दोनों मोबाइलों के ग्राफिक्स की तो ओप्पो में आपको एडिनो 610GPU देखने को मिलेगा, वहीं वीवो में आपको एडिनो 613GPU देखने को मिलेगा। अगर बात करें कार्ड स्लॉट की तो दोनों मोबाइल में आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। अगर बात करें इंटरनल मेमोरी की तो ओप्पो में आपको 128GB और 256GB के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, वहीं वीवो बस आपको 128GB में ही देखने को मिलेगा। अगर बात करें रैम की तो दोनों मोबाइल बस आपको 8GB में ही देखने को मिलेंगे। अगर बात करें स्टोरेज टाइप की तो दोनों मोबाइल में आपको UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। और अगर बात करें दोनों मोबाइलों के कैमरा सेगमेंट की तो दोनों मोबाइल में 50 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप होगा, और दोनों मोबाइल में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें साउंड क्वालिटी की तो दोनों मोबाइल में आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, और 3.5mm जैक का फीचर भी आपको दोनों मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की तो दोनों मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड देखने को मिलेगा, और दोनों मोबाइल में आपको 2.0 Type-C USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें इंफ्रारेड पोर्ट और NFC की तो दोनों मोबाइल में आपको इंफ्रारेड पोर्ट और NFC के फीचर भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बात करें बैटरी सेगमेंट की तो ओप्पो में आपको 5000mAh की LFP बैटरी देखने को मिलेगी, वहीं वीवो में आपको 6000mAh की LFP बैटरी देखने को मिलेगी। चार्जिंग की बात करें तो ओप्पो में आपको 45W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, वहीं वीवो में आपको 44W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। अगर बात करें दोनों मोबाइलों के कलर्स की तो ओप्पो में आपको पर्पल और ब्लू कलर्स देखने को मिलेंगे, वहीं वीवो में आपको ब्लू और ग्रीन कलर्स देखने को मिलेंगे। इंडिया में ओप्पो A60 का प्राइस 15,990 होगा, वहीं वीवो Y58 का प्राइस 19,499 होगा। तो दोस्तों ये था इन दोनों मोबाइलों का कंप्लीट कंपैरिजन। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मोस्टली फीचर आपको दोनों मोबाइल में एकदम सेम देखने को मिलेंगे। मेजर डिफरेंस आपको इन दोनों मोबाइलों के प्लेटफॉर्म और बैटरी सेगमेंट में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वीवो Y58 काफी बेटर देखने को मिलेगा। तो इस कंपैरिजन का क्लियर विनर होगा वीवो Y58। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।